और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरिता आर्या बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरिता आर्या को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। सरिता आर्या पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से सरिता आर्या लगातार नाराज चल रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरिता आर्या बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उससे आज इन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सीएम साहब ने और शीर्ष नेतृत्व नड्डा जी ने, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और प्रलाठ योशी जी, निशंक जी, सभी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मेरे से कहा कि आपका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। तो इसी शर्त पे मैं आई हूँ कि यहाँ पे हमारा सम्मान होगा। मेरे साथ मेरी महिलाएं भी हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ यहाँ पर आकर इस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और मैं बिना शर्त आई हूँ। देखिए, सम्मान करना पार्टी का काम है और पार्टी क्या सम्मान मेरा करती है ये मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैं बिना शर्त आई हूँ और सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनके आने से बीजेपी महिला संगठन और भी मजबूत होगा। आर्या जी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी अभी तक वहाँ कांग्रेस में, और महिला क्षेत्र में, मातृशक्ति के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं। विधायक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए और महिलाओं के लिए संघर्ष करती रही हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं के लिए जो करना चाहती थी कांग्रेस उसको करने नहीं देती। उन्होंने पूरी तरह से महिलाओं को वहाँ पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं और महिला क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में काम करेंगी। उनके आने से हमारी पार्टी को फायदा होगा, हर जगह हमारी पहुंच होगी। हम उनका स्वागत करते हैं। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट का। दीपांकर, सरिता आर्या का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? यहाँ से एक बड़ा झटका है कि महिला प्रदेश अध्यक्ष थी, दलित महिला है और 2012 में नैनीताल सीट से विधायक भी रह चुकी है और 2017 में संजीवारे क्लब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, हार गई थी चुनाव। एक बार फिर से वो टिकट की डिमांड कर रही थी और सरिता आर्य का बार बार ये कहना है, आज जब उनकी ज्वाइनिंग हुई, कि मुझे कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, मैं खुद का टिकट भी एश्योर नहीं कर पाई और जो बाकी महिलाएं टिकट चाहती थी उनका भी टिकट यहाँ पर नहीं मिला। उनका यह कहना है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने दिया है, लेकिन उत्तराखंड में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ये सब कुछ छोड़ के बीजेपी में आई है। तो अब इस, चाहे महिला के नाते हो, चाहे दलित होने के नाते हो, कैसे कांग्रेस जवाब देगी? कांग्रेस का यह कहना है कि उनको जितना सम्मान दिया जा सकता था वो दिया गया, लेकिन फिर भी वो निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी के लिए।